हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल लर्न स्किल्स विद वैष्णवी में स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने फिर से हिंदी से शॉर्ट हैंड का वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सभी ने पिछले वीडियो में देखा था कि हिंदी से शॉर्ट हैंड कैसे सीखेंगे, मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगी जो वर्ड्स हमने पिछले वीडियो में नहीं सीखे और अब मैं उनको बताऊँगी। तो आइए चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा या लिखा हुआ है। तो या मैंने आपको बताया था कि हाफ सर्किल अंदर से लेकर ऐसे, ये ऐसे बनाएंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये मैंने आपको गा बताया था पिछले वीडियो में कि कैसे गा लिखेंगे। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की लिंक से वीडियो देख सकते हैं। और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हैं और आपने लाइक कमेंट भी किया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमें सपोर्ट देते रहिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा माँ है, तो मैं यहाँ पर बिना कट वाली माँ का यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये हमारा भ है, तो भ लेफ्ट साइड के झुकाव में डार्क कट बनता है। ओके, ये देखिए, ये हमारा रा है, तो मैं यहाँ पर ऊपर वाले रा का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा सड़क वाला रा है, तो इसको मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम रा की तरह लिखेंगे। ये देखिए, ये हमारा रा लिखा, रा में कट, ये देखिए, ये हमारे दोनों ऐसे लिखे जाएंगे। आपको पता ही होगा रा कैसे लिखते हैं, ये ऊपर वाला है और नीचे वाला ऐसा बनता है, उसमें कट नहीं लगता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरा माँ है, तो यहाँ पर मैं कट वाली माँ का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, अब आप देखेंगे कि बा कैसे बनेगा। तो जी हाँ, बा भा की तरह बनेगा, लेकिन भा में कट लगता है और बा में नहीं लगता है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मेरा माँ है, तो यहाँ पर फिर से ये देखिए, ये जो बार बार आ रहे हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बार बार क्यों करा रही हूँ, जबकि ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं और अभी फिर से हमने इसको दो बार पढ़ा, इससे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप कर दो, नो, इसको आपको करना है। तो ओके, करते हैं इसको। ये देखिए, ये माँ, चाँ, देखिए चाँ हमारा राइट साइड के झुकाव में लाइट बनता है और इसमें कोई कट नहीं होता। ये देखिए, ये या जो है, मैंने ऊपर भी आपको बताया है, तो ये देखिए, ये हमारा या है। शाह, देखिए शाह हमारा ऐसे और ये ऐसे, लेफ्ट और राइट शाह, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये देखिए, ये लेफ्ट शाह और ये राइट शाह, ये हमारा जो है बायां सा है और ये दायां सा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये देखिए, अब हम ला की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ऊपर वाला ला है। अब मैं आपको यहाँ नीचे वाला ला नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको पिछले वीडियो में बताया है, तो सिर्फ मैं यहाँ एक ही बता रही हूँ। ये देखिए, घ का वर्ग का है, तो का वर्ग तो जीरो डिग्री पर बनता है, तो घा जो है वो डार्क बनेगा और उसमें कट लगेगा। ये देखिए, रा जो था, हमने यहाँ पर जाना था कि ऊपर वाला कैसे लिखेंगे, अब हम जानेंगे कि रा जो है नीचे वाला कैसे लिखेंगे। तो रा नीचे वाला ऐसे लिखेंगे। ओके, क्लियर है। ये देखिए, ये पढ़ाई वाला ढा है, तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे लिखेंगे। ये हा लिखेंगे और हा में यदि हमने कट लगा दिया तो ये पढ़ाई वाला रा बन जाएगा। ये देखिए, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, ये शाह मैंने आपको बताया है, तो इस बार शाह मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये देखिए, ये जा है, ये आ गया जा। जा वर्ग का, अगर चा को डार्क कर देंगे तो वो जा बनेगा। ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये देखिए, डा है, टा वर्ग का, टा को अगर डार्क कर दे तो वो डा बन जाएगा। ये देखिए, ये हमारा ता है, तो ता मैंने आपको कैसे बताया था, ये देखिए, ये हाफ सर्किल लेफ्ट ता राइट ता। ओके, ये हमारा झा है, चा वर्ग का,
यदि हम इसको डार्क कर दें और इसको कट कर दें तो ये हमारा झा होगा। मैंने यहाँ पर दो बार पेंसिल चलाई है, आपको दो बार पेंसिल नहीं चलाना है। शॉर्ट हैंड में हम दो बार पेंसिल नहीं चलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और पेंसिल की नोक का लगातार ध्यान रखते रहिएगा, उसको शार्प करते रहिएगा। आगे चलते हैं, ये देखिए ता में अगर हम कट कर दें, चूँकि ता हमारा लाइट होता है और था भी लाइट होता है, ता में अगर कट कर दें तो वो हमारा था बन जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखिए ये हमारा वा है, तो वा को खुले आसमान के तले, यानी कि वन जो होता है वो खुला होता है ना, तो वा जो है वो हमारा खुला होगा। या जो था हमारा बंद था और वा जो है हमारा खुला होगा, दोनों सेम तरीके से बनेंगे। आगे चलते हैं, ये देखिए ये हमारा था है, ये देखिए ये हमारा ठा है। टा में अगर हम कट कर दें तो वो हमारा ठा बन जाएगा। ये देखिए ये हमारा धा, यदि ता को डार्क कर दें और उसमें कट लगा दें तो वो हमारा धा होगा। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं, ये देखिए ये भी हमारा धा है, इसे आप बताएंगे, मैं नहीं। छा कैसे लिखेंगे, चा लिखा, चा में कट कर देंगे तो वो हमारा छा कहलाएगा। फा कैसे लिखेंगे, पा लिखेंगे, और पा में अगर हम कट कर देंगे तो वो हमारा फा कहलाएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।